दोस्तों साउथ की फिल्म्स कितनी ज्यादा अमेजिंग और दमदार होते हैं ये तो हम लोग काफी सारे मूवीज के एग्जांपल्स के जरिए हम लोगों को पता ही चल चुका है। एंड दोस्तों जब पुष्पा मूवी आई थी तो बहुत जनों ने क्रिटिसाइज किया था कि ये मूवी फ्लॉप होने वाली, उसके बावजूद भी पुष्पा मूवी ने इतने सारे लोगों का दिल जीत लिया था। और तो और इस मूवी के इतने सारे डायलॉग्स कितने जनों को भागे कि कितने सारे लोग उन्हीं डायलॉग्स को उठा उठा के टिकटॉक्स वीडियोस बना चल रहे थे। अब ठीक 2 साल बाद पुष्पा मूवी का सेकंड पार्ट जो कि पुष्पा द रूल, उसका भी एक टीजर आ चुका है। एंड इस बार भी पब्लिक बेसब्री से इंतजार कर रही है कि इस वाले सीक्वल मूवी में उन लोगों को क्या नया देखने को मिलेगा। और इसी को चलते एक जो टीजर रिलीज किया गया है पुष्पा सीक्वल मूवी को लेकर, तो लोग खुशी से झूम उठे और पागल हो गए हैं, क्योंकि इस बार फिल्म का लेवल जो हम लोग सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा ऊपर उठने वाली है। और तो और ये पुष्पा द रूल सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इस बार इंटरनेशनल भी जाने वाला है। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और ऐसे मजेदार रिव्यूज के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सेकंड निकाल के जरूर से सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों फाइनली जब शेर के बगल में पुष्पा का फेस रिवील होता है तो वो देखकर इतना धांसू लगा ना, ये लगा कि 2 साल का जो इंतजार था वो वर्थ इट हो गया। दोस्तों देखा जाए पुष्पा द राइज जंगल से शुरू हुआ था, तो पुष्पा द रूल में वो कैसे जंगल को राज करेंगे वही इस मूवी में हम लोग देख पाएंगे। इस बार सीक्वल मूवी में अल्लू अर्जुन भी अपना पुष्पा का एक नया ही स्वैग दिखाने वाले हैं। और तो और इस टीजर में शिकावत को तो हम लोग नहीं देख पाए, तो इस बार जो सेकंड पार्ट है इसमें भी उन दोनों के कुछ जबरदस्त सीन्स होने ही वाले हैं। बिकॉज पुष्पा द राइज मूवी में जहाँ पर कहानी खत्म हुई थी वहीं से पुष्पा द रूल में कहानी कंटिन्यू भी होगी, तो इस बार शिकावत और पुष्पा एक दूसरे की क्या हालत करने वाले वो हम लोग को इस मूवी में देखने को मिलेगा। ये सिर्फ मात्र 3 मिनट का जो टीजर है वो देख के ही भनक लग रहा है कि अच्छे अच्छे मूवीज की हवा टाइट करने वाली ये पुष्पा मूवी। इस बार देख के लग रहा है टीजर में कि अल्लू अर्जुन भी ठान लिया है उन सब लोग जो पास्ट में पुष्पा मूवी को क्रिटिक्स किए थे उन सब की बोलती और ज्यादा इस बार अच्छे से बंद करने वाले हैं वो। और पुष्पा की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है कि वो पैन इंडिया के लेबल को बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हैं, क्योंकि मूवी में जो डायलॉग डिलीवरी है वो तो बहुत ही धांसू था पुष्पा 1 में। यही सब को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे गए होंगे हिंदी में भी। और तो पुष्पा मूवी में जो म्यूजिक यूज किया गया था वो इतना ज्यादा अच्छा था, हर एक सीन्स के साथ इतना ऐप बैठ रहा था कि वो मूवी जब हिंदी ऑडियंस भी देख रही थी ना तो इतने अच्छे से म्यूजिक तालमेल खा रहा था कि वो लग ही नहीं रहा था कि साउथ का कोई मूवी है, यानी कि कोई लैंग्वेज बैरियर लग ही नहीं रहा था। टीजर में जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक दिखा वो तो बहुत ही अच्छा लगा। अब देखना है मूवी में कितने अच्छे से ये तालमेल खाएगा। और ये टीजर देख के लग रहा है A1 मूवी होने वाली है। और तो और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ा आने वाला है, बिकॉज इस बार पुष्पा के क्रिएटर सुकुमार उन्होंने भी ठान ली है कि वो इस बार इस मूवी को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देंगे। इसीलिए दोस्तों ये मूवी इस बार KGF RRR को बहुत अच्छे से टक्कर देने ही वाली है। और तो और इस मूवी में इस बार कुछ कुछ सरप्राइजिंग स्टार कास्ट भी होने वाले हैं, जैसे विजय सेतुपति, अक्षय कुमार, ये सब भी हो सकता है देखने को मिल जाए। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है पुष्पा भी साउथ इंडिया के मोस्ट लेजेंडरी मूवीज जैसे KGF RRR बाहुबली को टक्कर दे पाएगा या फिर उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगा कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। एंड ऐसे मजेदार रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर ले।